हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग में। दोस्तों, आज मैं अपने घर पे जो भिंडी आती है उन्हीं के बीज से भिंडी ग्रो करना सिखाऊंगी। दोस्तों, भिंडी थोड़ी पकी होनी चाहिए। इसमें जो बीज निकलते हैं उनको निकाल कर बीज इकट्ठे कर लें, जैसे मैं निकाल रही हूँ। अच्छी तरह निकाल कर किसी प्लेट में, किसी बर्तन में इकट्ठे कर लें। इन सभी बीजों को, बीज थोड़े से मोटे होने चाहिए, ओवरनाइट इसको रख दें किसी कपड़े में लपेट के, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और आराम से मिट्टी में ग्रो हो सकें। थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो आराम से ग्रो हो पाते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसी तरह से इन बीजों को लगा देंगे तो इनको जर्मिनेट होने में थोड़ी दिक्कत होती है और हो सकता है जर्मिनेट ना भी हो। सो दोस्तों, थोड़े से नर्म हो जाए ओवरनाइट के बाद, उसके बाद बीजों को मिट्टी में डाल दें और मिट्टी से कवर कर दें ऐसे, और थोड़ा सा पानी ज़रूर छिड़क दें। थोड़ा सा गीला रहना चाहिए, जब तक ये जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होता तब तक थोड़ा थोड़ा उनको गीला रखें। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, लेकिन थोड़ा गीला ही रखना है। 15 दिनों पहले मैंने भिंडी के बीज मिट्टी में डाल दिए थे, जो कि अब जर्मिनेट हो गए हैं। उनका अपडेट मैं आपको देना चाहती हूँ। कुछ तो बारिश हो गई थी और कुछ मैंने ये मिट्टी में डाल रखे थे, थोड़ा सा कंपोस्ट मिलाकर, ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, और ये अच्छे से जर्मिनेट हो गए। मैं श्योर नहीं थी कि ये उगेंगे, लेकिन ये देखिए मेरे बीज उग आए हैं और अच्छे से चल रहे हैं। दोस्तों, भिंडी के बीज डालेंगे तो उसके लिए कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल गार्डन की सॉइल ले लीजिए, आप उसमें बीज लगा दीजिए। इसी में ये बहुत अच्छी सी ग्रोथ करने लगते हैं। जब थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तब इनको कंपोस्ट की ज़रूरत होती है। आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट इनको दे सकते हैं, जैसे काउडन कंपोस्ट हो गया, लीव कंपोस्ट हो गया, आप थोड़ा सा दे दीजिए। इसी में ये बहुत अच्छे से प्लांट्स चलते रहेंगे। थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं, इन पर फूल आने लगते हैं, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इन पर लीफ माइनर का अटैक हो जाता है, थोड़े से माइट्स लगते हैं। उनको आप केमिकल स्प्रे तो नहीं करना चाहिए, तो इन पर हम नीम स्प्रे कर सकते हैं, जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। नीम ऑयल लेकर उसको एक ढक्कन 1 लीटर पानी में मिलाकर हम के पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ये माइट्स सारे निकल जाते हैं। 15 दिन में एक बार स्प्रे करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये अच्छे से ग्रोथ होते रहेंगे। केमिकल का स्प्रे नहीं करना चाहिए। जब घर में हम सब्जियां उगा रहे हैं तो हमें केमिकल फ्री रखनी है, ऑर्गेनिक रखनी है। सो दोस्तों, नीम स्प्रे सबसे बेस्ट पेस्टिसाइड का काम करता है और बहुत ही अच्छा फंगीसाइड भी रहता है, क्योंकि नीम की स्प्रे से ये सारे माइट्स छूट जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, जिससे ये प्लांट्स फिर से हेल्दी हो जाते हैं और हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें जब फूल आएंगे उसका वीडियो बनाकर आपको ज़रूर शेयर करूंगी। सो दोस्तों, आपको इस प्लांट के बारे में जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।